नमस्कार दोस्तों, गांव के पाठशाला पर आज मैं आप सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और गांव के पाठशाला ही पढ़ाई को हम यूट्यूब और फेसबुक में फॉलो करें। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सवाल करना है। जैसे कि कल के सवाल में मैंने आपको भागफल विधि से बताया हुआ था, तो उसी में एक नया क्वेश्चन है। को x प्लस वन से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप लोगों को सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि अब x स्क्वायर प्लस वन को हम भागफल विधि से जैसे करते हैं x स्क्वायर प्लस वन, अब इसमें हम भाग देंगे x प्लस वन का, ठीक है। ये दिया x प्लस वन, सीधा समझिए कि हम इसमें कितने का गुणा करें कि इधर x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो इधर हम x का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर जो है अपना x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने गुणा करेंगे x स्क्वायर का, ठीक है। तो इधर x स्क्वायर गुणा होगा तो x स्क्वायर गुणा x क्यूब हो जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देंगे तो ये कट गया, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। हमको जो हमेशा वही वैल्यू का गुणा करना है जिसके गुणा होने से हमारा एक जो क्वाड्रेंट होगा वो कट जाएगा। अब यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इधर एक्स का गुणा कर देते हैं, पहले प्लस माइनस हम पहले नहीं देखते हैं, बाद में देखेंगे कि हमको प्लस का गुणा करना है कि माइनस का गुणा करना है। तो यहाँ पर हम एक्स का गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस एक्स। अभी हमने चिन्ह नहीं लिया है। अब ये बताइए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो अगर हम सीधा प्लस का भी गुणा कर देते हैं तो भी कट जाएंगे, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम घटा देते हैं, माइनस एक्स का गुणा कर देते हैं, तो माइनस एक्स का गुणा होगा तो माइनस इधर आ जाएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर माइनस का गुणा करते हैं तो इधर प्लस आ जाता है ये वाला, और ये वाला भी वैल्यू प्लस आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो हमारे लास्ट में बचेगा x प्लस वन। अब यहाँ पर हम का गुणा करेंगे प्लस वन का, x प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे घटा सकते हैं, ठीक है, देखते चलिए प्रॉपर्टी। तो ये हमने घटा दिया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, जो हमारा आया जीरो। तो हमारे यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो जीरो आ गया, मतलब हमारा जो ये x क्यूब प्लस x का x प्लस वन शून्यक है, शून्यक है। और अगर हम इसे दूसरी विधि से चेक करना चाहें कि हम चेक कर लें कि हमारा शेषफल जीरो आ रहा है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं px इक्वल टू x क्यूब प्लस वन दिया हुआ, ठीक है। अब हमारा माना कि x प्लस वन शून्यक है, ठीक है, शून्यक ले लिए। शून्य का मतलब होता है आपका कि x प्लस वन इक्व टू जीरो, तो x बराबर माइनस वन, मतलब माइनस वन की जो वैल्यू है हम x के पे रख देंगे, तो पी एक्स इक्व टू आ जाएगा आपका यहाँ पर x क्यू प्लस वन, और इधर माइनस वन निकालेंगे तो माइनस वन की पावर प्लस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन, इधर पी एक्स सॉरी रखे चाहे रखे कोई मतलब नहीं, जीरो आ गया, ये कर गया ये कर गया, px इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ भी शेषफल जीरो हो गया, यहाँ भी शेषफल जीरो हो गया। अगर जहाँ पर हमसे ये भागफल की विधि है, जहाँ पर हम अपने भागफल की विधि से सॉल्व करते हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता और हमें लगता कि हम सारी दिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दूसरी विधि से आपका जहाँ पर x की वैल्यू का मान शून्य विधि से x की वैल्यू का मान रख के हम प्रॉपरली निकाल सकते हैं x का मान, और x का मान x के की जगह में रख देंगे तो हमें px का मान निकल आएगा। तो इसी तरह के सारे भी जितने भी अपने शेषफल और भाग शेषफल निकालने हैं और जितने भी भागफल विधि से करने हैं, ये हमारी भागफल विधि है, ठीक है, भागफल विधि। तो जितने भी हमें भागफल विधि से निकालने हैं, भाग करके निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलता तो फिर हम शून्य विधि से, ये शून्य विधि है जहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर निकालते हैं। और आप लोग देखिए समझिए, अगर आपको कहीं पर
वीडियोस में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए और मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल गांव की बात सारी पढ़ाई को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि आपको ये वीडियोस जो कि बहुत अच्छी तरह से समझाए जा रहे हैं सब सब हर वर्ग तक पहुँच जाए पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।